ट्रैजेक्टरी हम लोग सिंपली पाथ को कहते हैं, जिस पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट का ट्रैजेक्टरी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये चंद्रयान भेजा, तो वो जो है सो अर्थ से मून पे डायरेक्ट उसका एक स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं था, वो अर्थ का चक्कर लगाया फिर घूम के गया, तो जो उसका इंटायर पाथ था उसको हम लोग कहेंगे कि चंद्रयान टू का ट्रैजेक्टरी था। पसंद में आया? तो ट्रैजेक्टरी का सिंपल मतलब पाथ है, जब तुम किसी बॉल को फेंकते हो वो इस तरह से जाता है, ये जो पाथ है इस पाथ को हम लोग उस प्रोजेक्टाइल का ट्रैजेक्टरी कहेंगे, ठीक है। बात समझ गया? तो ट्रैजेक्टरी सिंपली पाथ को कहते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का क्या मतलब है? इसका जिस पाथ पे जा रहा है उस पाथ का तुम इक्वेशन लिखते हो, तो उसमें तुम करते ये हो कि कोई एक पॉइंट को तुम ओरिजिन डिफाइन कर लोगे, किसी एक डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन ले लोगे, किसी एक दूसरे डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन ले लोगे, और इस पाथ पे लाइंग ईच पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है जिस मैथमेटिकल रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वही मैथमेटिकल रिलेशन इस पाथ के इस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होगा। एडिशन में आया, तो सिंपली एक मैथमेटिकल इक्वेशन तुमको लिखना है जिस इक्वेशन को इस पाथ पे लाइंग ईच पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, और वो जो इक्वेशन है सो इस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग ट्रेजेक्ट्री और ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन का बात कर रहे हैं उसको प्रोजेक्टाइल मोशन से कोई लेना देना नहीं है, हर तरह के मोशन में ट्रेजेक्ट्री हो सकता है, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसका एक ट्रेजेक्ट्री होगा, उस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखना है। अगेन इसको भी प्रोजेक्टाइल मोशन से कोई लेना देना नहीं है, अगर हमको पता है कि पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किस तरह से वेरी कर रहा है तो हम लोग पार्टिकल के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं, और वो जो डायरेक्ट रिलेशन है उसी रिलेशन को हम लोग उसके ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। जो बोले समझ में आया? तो जैसे सपोज करो कोई एक पार्टिकल है जिसका मान लो एक्स कोऑर्डिनेट जो है टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है 2+t, ठीक है। तो टी टाइम पे उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 2+t है, यानी एक सेकंड पे एक्स 3 है, 2 सेकंड पे 4 होगा, 3 सेकंड पे 5 होगा, इस तरह से उसका एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है। और मान लो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है सो कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है t-3, ठीक है। और अब जो है सो हमको कहा जाए कि इस पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखना है। तो एक पार्टिकल है जिसका मोशन हमको मोशन का डिफिनेशन दिया हुआ है कि उसका x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ इस तरह से वेरी कर रहा है, तो उस पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो तुम्हारा काम जो है सो x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन लिखना है। अभी तुम्हारे पास जो रिलेशन है वो x का t के टर्म्स में है, y का t के टर्म्स में, इस दोनों में से टी को तुम इलिमिनेट कर दोगे तो तुमको एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा और वही इसके ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होगा। तो यहां पे हम लोग सिंपली दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो टी और टी इलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये जो है सो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन हो जाएगा। इसको अगर तुम प्लॉट करते हो तो यहाँ पे जो x इंटरसेप्ट है वो 5 के बराबर आएगा, y इंटरसेप्ट -5 आएगा, तो ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, इस दोनों पॉइंट से पासिंग एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये 0, -5 है और ये 5, 0 है, इस दोनों पॉइंट से पासिंग लाइन होगा। लाइन तुम प्लॉट कर सकते हो कैसे भी, क्योंकि तुम इस पे लाइन कोई भी दो पॉइंट निकाल सकते हो, x को 0 रख दो y का वैल्यू मिल जाएगा, y को 0 रख दो x का वैल्यू मिल जाएगा, कोई भी दो पॉइंट तुम निकाल सकते हो और उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन होगा उस लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जिस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इस हिसाब से वेरी कर रहा है वो पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि मोशन स्टार्ट कहां से हो रहा होगा और जा किस डायरेक्शन में रहा होगा, इस लाइन पे इधर की तरफ भी जा सकता है, इधर की तरफ भी जा सकता है, तो बताना है कि कहां से मोशन, किस पॉइंट से मोशन स्टार्ट हो रहा है और किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। मोशन स्टार्ट होने का क्या मतलब है? स्टार्ट होने का मतलब है कि टी 0 है, टाइम 0 से शुरू होगा और इसका बढ़ते चला जाएगा, तो टाइम जब 0 है तब पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2, वाई कोऑर्डिनेट -3, यानी मोशन
टू कॉमा माइनस थ्री से स्टार्ट हुआ है, जो कुछ यहां पे आएगा टू कॉमा माइनस थ्री, इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट होगा। अब इसको देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में मोशन होगा, जिधर जाने से एक्स इंक्रीज करता है इधर की तरफ मोशन होगा, ठीक है, ये समझ में आया। तो तुमको पार्टिकल का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एज फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो तुम ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिख सकते हो, टी को जीरो पुट कर दोगे तो मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है सो मिल जाएगा। और अब तुम देख सकते हो कि इंक्रीजिंग एक्स है या डिक्रीजिंग एक्स है, टाइम के बदलने से एक्स इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो वहां से तुमको पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल इस यहां से स्टार्ट किया इस लाइन पे मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो जो पोजीशन है उसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। यहां पे चूंकि मोशन यूनिफॉर्म है तुम डायरेक्टली इसको देख के कह सकते हो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड या 1 यूनिट पर सेकेंड, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जो पोजीशन होना है वो सम कांस्टेंट प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम होना है। ऐसे अगर नहीं दिख रहा है तो तुम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुमको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मिलेगा, क्योंकि तुम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आ जाएगा 1, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, वो क्या आएगा, वो भी आ जाएगा 1। तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 1i कैप + 1j कैप होगा, तो इसको हम लोग सिंपली i कैप + j कैप लिख सकते हैं, समझ में आया। तो जो पोजीशन है उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम लोगों को उसका वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अब x और y दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल गया तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया। स्पीड पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2। एक्स कंपोनेंट 1 है, वाई कंपोनेंट 1 है, इसका मैग्नीट्यूड √x² + y² √2 आ जाएगा, यानी ये √2 मीटर पर सेकेंड से यहां से स्टार्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, बात समझ में आया। तो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन कैसे निकालते हैं इसको समझ गए, और इसके बाद इक्वेशन तुम्हारे पास है तो तुम और क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये सब समझ में आ रहा है। सपोज करो किसी पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो 2t − 3i कैप + 4 − t j कैप है। तो इस पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बता दो, पाथ को प्लॉट कर दो, कहां से स्टार्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन दे दो। यहां से हम लोग को पता है कि पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2t − 3 है और जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 − t, ठीक है। अब इसमें से t को अगर इलिमिनेट कर देंगे तो x और y के बीच में हमको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा, वही ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो t को इलिमिनेट करने के लिए हम करते हैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा x + 2y, और इस 2t को ये 2t खा जाएगा और यहां पे 8 − 3 5 बचेगा, तो ये x + 2y = 5 इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो है सो इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट निकाल लो, तो x को 0 रखोगे तो y का वैल्यू 5/2 आएगा, यानी ये 0, 5/2 से पास करना, और y को 0 रखोगे तो x का वैल्यू 5 आएगा, यानी इसको 5, 0 से पास करना है, ठीक है। तो इस दोनों से पासिंग जो स्ट्रेट लाइन होगा उस स्ट्रेट लाइन का हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री का ट्रेजेक्ट्री जो है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब इस स्ट्रेट लाइन पे मोशन स्टार्ट कहां से होगा, तो यहां पे जो है सो हम लोग टी को 0 पुट कर देंगे, जो पोजीशन आएगा वहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, टी को 0 पुट करेंगे तो ये −3, 4 आएगा, यानी
ये कुछ यहां से -3.4 से मोशन स्टार्ट होगा और मोशन इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ, यहां हम लोग देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्स इंक्रीज कर रहा है वाई डिक्रीज कर रहा है, तो मोशन ऐसे डायरेक्शन में होगा जिधर जाने से एक्स बढ़ता है वाई घटता है, हमेशा इसी से निकालेंगे। या तुम फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन से निकाल सकते हो कि वेलोसिटी वेक्टर निकालोगे तो 2i cap - j cap आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी 2i cap - j cap वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हो। नहीं, अगर यहां पे t के बढ़ने से घट रहा होता, मान लो ये 3 - 2t होता, तो x अब डिक्रीजिंग हो गया तो पीछे की तरफ जाएगा, बात समझ गए। या तुम सिंपली करो कि इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा, जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे 2i cap - j cap आ जाएगा, तो अब जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो यहां से हम लोग को मोशन का डायरेक्शन पता चल जाएगा। स्पीड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, स्पीड आ जाएगा, तो इसका v आ जाएगा 5 meter per second। समझ गए, कोई कंफ्यूजन? सपोज करो किसी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट a sin ओमेगा t और y कोऑर्डिनेट a cos ओमेगा t है, तो पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बता दो। सो काफी स्टैंडर्ड सा सिस्टम है जहां पे एक साइन के हिसाब से वेरी कर रहा होता है, दूसरा कॉस के हिसाब से वेरी कर रहा होता है, ये तुमको जो है सो अभी मिल रहा है, मैथ्स में बार बार मिलेगा, कोऑर्डिनेट में बार बार मिलेगा, और तुम्हारा टास्क इसको इलिमिनेट करना होता है। सब जगह इलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा टेक्निक यूज करते हैं, हम लोग को पता है कि sin²θ + cos²θ 1 हो जाता है, तो जो एंगल है वो खत्म हो जाता है इस रिलेशन में। तो तुम इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, x²+y²(a²)(sin²ωt + cos²ωt) और ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, बात समझ गए। तो जब भी तुम्हारे पास इस तरह का सिचुएशन आ रहा है साइन और कॉस है, इलिमिनेट करने का ये सबसे सिंपल तरीका होता है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x²+y²(a²), ठीक है। ये किस चीज का इक्वेशन है, सर्किल का, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस a के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इस ट्रेजेक्ट्री को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को ये वाला सर्किल मिलेगा जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और रेडियस a के बराबर होगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब हमको ये बता दो कि इस सर्किल में मोशन स्टार्ट कहां से हो रहा है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तुम सिंपली इनिशियल पोजीशन निकालना है, t को 0 रख देंगे, t को जब 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा, y का वैल्यू cos ओमेगा t तो 0 हो गया, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, y का वैल्यू a आ जाएगा। तो मोशन कहां से स्टार्ट होगा, 0, a से, यानी इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट होगा। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ा सा सोचोगे पता चल जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो जब टी को बढ़ा रहे हो, एक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, एक्स बढ़ रहा है, तो एक्स जिधर की तरफ इंक्रीज कर रहा है उधर की तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, बात समझ में आया। किस स्पीड से जाएगा सो बता सकते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट किए तो हम लोगों को मिल जाएगा वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मिलेगा जो आ जाएगा -a ओमेगा sin ओमेगा टी, ठीक है। अब स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर
प्लस वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट ले लोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, क्या हो जाएगा स्पीड ए ओमेगा। जब इसको स्क्वायर कर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलकर वन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का रूट लोगे तो ये ए इंटू ओमेगा आएगा। ठीक है, तो वो पार्टिकल वहां से स्टार्ट करेगा ए ओमेगा स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा। बात समझ में आया, आसान है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट और वीडियो पर क्लिक करें। नए अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।